Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने मरी के एक टूर को। वैसे मैंने मरी 3-4 दफ़ा आई थिंक विज़िट किया होगा, लेकिन ये वाला जो टूर था ये मेरी फैमिली के साथ था और ये लास्ट ईयर सितंबर का है। मैंने वैसे दिसंबर में भी विज़िट किया था, लेकिन वो जो विज़िट है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए था, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आगे इन फ्यूचर आपको वो भी दिखाऊंगी। सो ये हम लोग दो फैमिलीज जा रही थी। टाइम आई थिंक इस वक्त 4 से ऊपर ही होगा। और मेरा ये जो सफ़र था ये दो मुख्तलिफ गाड़ियों में गुजरा था, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बताया कि 15 लोग थे, सो एक गाड़ी में तो 15 लोग पूरे नहीं आते हैं। सो ये रास्ते का व्यू, हमारे पाकिस्तान में भी खूबसूरती कम नहीं है, मरी के रास्ते का व्यू सब कोई अच्छा लगता है। ग्रीनरी और पहाड़, जो पहाड़ों के ऊपर जो दरख्त हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। सो ये हम लोग आई थिंक 6 बजे के करीब पहुँचे थे, और उसके बाद जल्दी से होटल में चेक इन किया। चेक इन करने के बाद हम लोगों का रात का सारा टाइम जो था वो माल रोड में ही गुजरा, और असली इन्जॉयमेंट जो थी वो हमारी नेक्स्ट डे से स्टार्ट हुई थी। सो ये था जी दूसरा दिन, और इस वक्त टाइम सुबह के 6 या 7 का था। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो मरी की बारिश को एक्सपीरियंस किया था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ये जो होटल था ये था मोवेनपिक, जो कि जीपीओ की बैक साइड पे है, और यहाँ से आपको सारा माल रोड के टेरेस से नज़र आएगा। सो अभी आप देख सकते हो बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे बारिश का ये सीन था कि किसी भी वक्त स्टार्ट हो जाती थी और उसके बाद किसी भी वक्त रुक जाती थी, कुछ समझ नहीं आती थी। और इसके बाद का जो मैं आपको व्यू दिखाऊंगी वो बारिश के बाद का है। यहाँ पे हम एक शॉप के अंदर स्टक हो गए थे। हम नाश्ता करने जा रहे थे और शॉप के अंदर थे कि बाहर बारिश वापस स्टार्ट होगी और हमारा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया। ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा है ये माल रोड पे ये एक होटल था, वहाँ पे हम नाश्ता करने गए थे। मुझे भी उसका नाम याद नहीं है। सो ये नाश्ता करते हुए बाहर का व्यू नज़र आ रहा था। नाश्ता करने के बाद हम लोग ये पथरियाटा के लिए निकल रहे थे, और काफ़ी लेट भी हो गए थे। बादल इतने ज़्यादा करीब थे कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और ड्राइव करते हुए गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो ऑन रख के ड्राइव करना पड़ रही थी। सामने की गाड़ी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा स्केरी भी था यहाँ पे, क्योंकि एक्सीडेंट होने का भी ख़तरा होता है इस तरह के मौसम में, इस तरह जब बादल जो है बिल्कुल नीचे हों और आपको गाड़ियाँ बिल्कुल नज़र ना आ रही हों।
सो ये आई थिंक टाइम जो था वो तकरीबन 4, 3:30, 4 का हो चुका था। सो अभी हम जा रहे थे पथरियाटा की तरफ चेयरलिफ्ट के लिए। पथरियाटा पहुंचने के बाद सबसे पहले जो घर के बच्चे थे उन्होंने इसको ट्राई किया। मैंने ये स्कूल ट्रिप पे अपनी फ्रेंड के फोर्स करने पर ट्राई किया था और उस वक्त का डर मेरे अंदर बैठा है, तो मैं इस तरह के झूलों से अवॉइड करती हूँ। सो अभी मैं चेयरलिफ्ट पे बैठ गई हूँ और मुझे हाइट से वैसे भी डर लगता है, लेकिन अभी जो आपको नज़र आ रही है ये इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग की वीडियो नहीं बना सके क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको जल्दी जल्दी बैठना होता है। सो ये रास्ते में जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त आपको सामने नज़र आ रहा होगा, आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। लेकिन एक और चीज़ थी कि एक तो जगह पे ऐसा भी था कि बादल बहुत ज़्यादा थे कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और उस वक्त थोड़ा सा स्केरी भी था। मतलब अगर आप एक मिनट के लिए फील करो कि आप बहुत ऊंचाई पे हो और आपको सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा डर भी जाते हो। सो अभी का ये जो सीन है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी था और थोड़ा सा स्केरी भी था। यहाँ पे अगर आप एक मिनट के लिए फील करो कि आप ऊंचाई पे हो और आपको सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो आप वाकई डर जाते हो, और मैं जितना अभी नज़र आ रही हूँ रिलैक्स, मैं इतना रिलैक्स नहीं थी। फेस से शो नहीं हो रहा बट हाँ थोड़ा सा आपको ऊंचाई पे जाके फील होता ही है। We just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we'd just mess it up, 'cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. इसी व्यू के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसे वो सामने सूरज बहुत अच्छा लग रहा था। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।